हर घर को एक नंबर दिया जाएगा, जिसमें उस घर में जितनी भी जानकारी है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितनों को पेंशन हैं, कोई APPH है कि APL है, हर प्रकार की जानकारी वो उसमें रहेगी। उससे क्या होता है, कोई भी सरकार को योजना बनाने में मदद मिलती है, हमें मालूम चल पड़ेगा कितने लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, कितने लोग हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनमें युवा हैं, और फिर सरकार इसी प्रकार से अपनी योजना बनाती है। जब भी कोई आपसे इंफॉर्मेशन पूछे, आपको जानकारी देनी चाहिए, ताकि जब हम डिजिटाइज हो जाएंगे और हमारी इंफॉर्मेशन जो वो रेडली अवेलेबल होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज़ ए नॉलेज, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। आपके पास घरों में लोग आते हैं तो कई घबरा जाते हैं कि इसलिए कर रहे हैं, उसलिए कर रही हैं, वैसी चीज़ें आशंकाएं अपनी दिमाग में नहीं लानी है। जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं उनको जानकारियाँ दो, क्योंकि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, जहाँ तो हम एक व्यवस्थित और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने, और जहाँ फिर हम कन्फ्यूज सोसाइटी बने। और आपने देखा है पूरे देश भर में ये एग्ज़ाम्पल रही है, जहाँ जहाँ भी अच्छा नेतृत्व आया है, गुजरात की आप एग्ज़ाम्पल ले लो, तो आज गुजरात कहाँ चला गया जो एक बैरन लैंड हुआ करता था, और उन्होंने इतनी अच्छी अपनी व्यवस्थाएं बनाई, बाकी लोग आप फॉलो कर रहे हैं। तो अब समय के साथ हमें व्यवस्थित होकर और प्रोग्रेसिव होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार ने हर क्षेत्र में आपके लिए द्वार खोल के रखे हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो व्यवसाय हो, और चाहे वो लोनिंग फैसिलिटी हो। अब आज के दिन में अगर कोई किसी को रोकता है तो वो उसकी इच्छा शक्ति रोकती है। आप देखो, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, जब वो पढ़ लेते हैं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें 5,000 युवा हमारा बाहर पढ़ने के लिए जाता है। तो आज साधन और संसाधन सभी खुले हैं, लेकिन आदमी को खुद आगे बढ़ना है और अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपना गोल हासिल करना। QR प्लेटें, जो डिजिटल प्लेटें हर घर के बाहर लग रही है, हर दुकान के बाहर लग रही है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, हर जगह पे वो प्लेटें लगेंगी। और उसका फ़ायदा भी है, जैसे मान लो कहीं किसी का एड्रेस पूछना हो, कोई आपका रिलेटिव बाहर से आ रहा है, अगर कोई जान पहचान वाला बाहर से आ रहा है, अगर उसको लोकेशन नहीं पता चलती है, वो ऑनलाइन उस प्लेट के माध्यम से आपकी लोकेशन भी ट्रेस कर सकता है, आपके घर तक पहुंचने में उनको आसानी होगी। अगर कोई व्यवसाय ढूंढना है, कमर्शियल दुकान ढूंढनी है या फैक्ट्री ढूंढनी है, तो वो आराम से वहाँ पे पहुंच सकते हैं। पहले होता था किसी का घर ढूंढना है, कभी किसी को पूछो कभी किसी को पूछो, आज वो नौबत नहीं आएगी। जहाँ पे हमारी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, स्मार्ट सिटी के साथ साथ ये चीज़ें भी स्मार्ट हो रही हैं। जैसे पहले पूछना पड़ता था, भैया ये किस मोहल्ले में रहते हैं, ये मोहल्ला कहाँ पड़ता है, आज ये पूरी डिटेल जो आपकी ऑनलाइन में अवेलेबल होगी। दूसरा, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो आगे फैसिलिटीज़ होंगी वो भी शायद कहीं ना कहीं इसमें उपलब्ध रहेंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि इसको जल्द से जल्द लागू करें, लोगों को सहूलियत दें। जैसे जैसे ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को सहूलियत दें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।